आप भी सामने देखिए जरा एक दीदी तेरा देवर जी का मोहरा था और गाने की रिकॉर्डिंग क्या किस तरह का गाना? सबसे पहले सारा भोजपुरिया दर्शक लोगों के हमारे प्रणाम बांटे। हम मोहन राठौर माई बहन चाचा भैया बड़ बुजुर्ग सब लोगों के प्रणाम करत नहीं। ये फिल्म में जो गाना गईनी है दीदी तेरा देवर दीवाना जो पिछड़ावत आटे बहुत अच्छा गाना बाटे। तनिका मुस्का द मैडम जान में जान आई हो तो बहुत फैमिलियर मतलब नाम से भी और मतलब पिक्चर भी फैमिलियर बाटे। माई बहन सब लोग देख सकीला जा और इमा बहुत अच्छा अच्छा मतलब गाना बाटे। गीत प्यारेलाल कवि जी के बाटे और हमारे शत्रुघ्न सर के म्यूजिक बाटे और अशोक सिन्हा जी बने गीतकार सब लोग बने भाई जैसन बानी जा सब लोगों के आशीर्वाद से इमा गावे के अवसर मिलल हमके बहुत अच्छा लगा। अच्छा टाइटल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे दीदी तेरा देवर दीवाना जिस तरह इसका गाना भी काफ़ी हिट हो चुका है तो टाइटल के बारे में क्या कहेंगे? टाइटल बहुत अच्छा है दीदी तेरा देवर दीवाना और ये फैमिलियर टाइटल है और कोई भी सुन के एक बार मतलब बहुत अच्छा उसे मानेगा और बहुत अच्छा है। जैसे कि आपके गाने की रिकॉर्डिंग चल रही तो कोई दो लाइन जो गाना रिकॉर्ड करके आए तो सुना के और क्या था ये गाते हैं गलत से इस तरह दीदी तेरा देवर दीवाना एमा जो गाना गईनी है बहुत अच्छा गाना बाटे और ये गाना इतने रहे कुह के करे जा मन धुकुर धुकुर बोले आज दिल के तूफान दिल खाए विच कोले अरे सोची ला कब चेहरा पर मुस्कान आई हो अतनिका मुस्का दाय जान जान में जान आई हो। ये बहुत अच्छा गाना बाटे और बहुत फेमिलियर गाना बा बहुत अच्छा लगे। मोहरा था और आप आए हैं तो किस तरह का शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले तो पूरा टीम के बहुत बहुत बधाई देना चाहें क्योंकि हमके जावे को उपस्थित भैया के द्वारा मौका मिलल और भैया के लाख लाख शुक्र और पूरी टीम के लिए शुक्रिया कहल जाए। और आपका आने वाला कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप कहना चाहेंगे? हाँ हमारा तो अगला प्रोजेक्ट बैठे बलिया के दबंगई जे के बहुत जल्दी रिलीज करते हैं ऐसे फिल्म फैक्ट्री प्रेजेंट कर दिया भैया में गाना के लिए बनिए को हम अंजनी सिंह मतलब बहुत छोट भाई जैसन बाना हमारा और हमनी के भाई जैसन बानी जा इनकर पिक्चर आवत अटे आज हमनी के दीदी तेरा देवर दीवाना के मुहूर्त में बानी जा गाना गावे खातिर यो साथे में बाड़न और इनकर भी पिक्चर आवत अटे बलिया के दबंगई और वह सब जरूर देखब जा माई बहन चाचा भैया बड़ बुजुर्ग जे भी बानी जा यूपी बिहार से सब लोगों के हमारे प्रणाम बाटे। आप सब आशीर्वाद बने ले रह जा भाई को। एक फोटो खींच लीजिए। आइए चंदन आइए। थैंक यू।
चंदन बाबू आइए, एक फोटो खींच लीजिए जितनी। पिक्चर के बारे में बोलना है, क्या है, कैसे है, आप दर्शकों को क्या दिखाना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत ही मतलब पारिवारिक फिल्म है, इसको हम लोग किसी के परिवार के साथ भी देख सकते हैं। भोजपुरी में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मम्मी पापा बैठे रहते हैं, हम फिल्म देखना चाहते तो नहीं देख पाते हैं, इसमें मतलब हम पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। इस पिक्चर मतलब लोग बोलते हैं मैं भोजपुरी से हट के बना रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं जो प्रोड्यूसर सर हैं शत्रुघ्न जी, उनको बहुत आभारी हूँ, और साथ में डायरेक्टर जी ए बी मोहन जी, जो कि इस प्रकार के पिक्चर को डिजाइन किए हैं, जो कि पारिवारिक पिक्चर है और घर में सारे लोग एक साथ बैठ के देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इसमें मैं हीरो का किरदार निभा रहा हूँ। तो आप लोग से आग्रह है कि मुझे आगे निकाल दिए और आशीर्वाद चाहिए आप लोगों को। जी थैंक यू। ऐसा जी, आप क्या कहना चाहेंगे आप इस फिल्म के बारे में? आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस के ए बी मोहन इसमें डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छे राइटर हैं ही, बट वो डायरेक्ट कर रहे हैं तो मैं काफ़ी एक्साइटमेंट में हूँ कि ये मैं फर्स्ट टाइम देखूँगी, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि जो सॉन्ग मैं करने जा रही हूँ उसमें जो सिंगर है वो है ममता रावत, और उनका काफ़ी अच्छा नाम भी है, अदरवाइज़ बहुत अच्छी सिंगर है, और उनके गाने पे करना तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक्साइटमेंट हो सकता है। इसके अलावा इसके पहले किया है लेकिन कल्पना जी के काफ़ी सारे गाने मैंने किए, इंदु जी के काफ़ी गाने किए हैं, लेकिन अब ममता जी का भी गाना करना है। बहुत अच्छा टाइटल है और पारिवारिक टाइटल है, मतलब टाइटल ही दर्शा रहा है कि बहुत ही पारिवारिक फिल्म होगी और कुल मिला के इतनी अच्छी होगी कि पूरा परिवार इसको बैठ के देख सकता है। आज मौका भी है और दस्तूर भी है, आप दीदी तेरा देवर दीवाना के लिए आप क्या कहना? दीदी तेरा देवर दीवाना एक अच्छी टाइटल है और इसके निर्माता जानकी जी, शत्रुघ्न जी और ए बी मोहन जी राइटर हैं और डायरेक्टर भी हैं। तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। ए बी मोहन जी के राइटिंग में मैंने 6-7 फिल्में किया है जिसमें गोल्डन जुबली हमारी रही है, दिल हो गई कुर्बान। और आजकल ज़माना आ गया है फैमिली ड्रामा का, साफ़ सुथरी फिल्मों का, जो घर से हमारी फैमिली जाकर की फिल्म देखें। अभी हाल में मेरी फिल्म रिलीज हुई है देवर भी नांगना नासो भे राजा, जो सुपर डुपर हिट जा रही है सेकेंड वीक में भी बिहार में। तो मैं चाहूँगा कि ये भी फिल्म सुपर डुपर हिट हो और हमारे दर्शक उसे पसंद करें, ताकि जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो अच्छी मूवी बनाएं और फैमिली ड्रामा बनाए। और आप इस फिल्म में कुछ कर रहे हैं? इस फिल्म में मैं कर रहा हूँ हीरो का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और ये भी मोहन जी ने मुझे बुलाया है, उनके शुक्रगुजार हूँ, उनके साथ काम कर चुका हूँ, ट्रैक्शन में पहली बार काम करने जा रहा हूँ। अभिनेता और पृथ्वीराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पृथ्वीराज जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं इनकी फिल्म देख चुका हूँ एक, और हमारे मित्र भी हैं, मैं उनकी भी शुभकामना देता हूँ कि वो दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ें। और एक भोजपुरिया जवान है, हम भी हैं, वो भी हैं, ललकारे रहे भोजपुरी में। आज भोजपुरी में इतना अच्छा टाइटल देखने को मिला, दीदी तेरा देवर दीवाना, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? टाइटल बहुत अच्छी है, फिल्म की स्टोरी भी ए बी मोहन साहब लिखे हैं, तो आइए सर आइए, ए बी मोहन साहब लिखे हैं तो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि इनकी राइटिंग के बारे में कह नहीं सकता मैं, झूठ मूठ का क्या तारीफ। दिलो गल कुर्बान, सुपर डुपर हिट, बलम बलवान, अपना ये फरमान लाइन से फिल्म, सारी फिल्में तो मैंने ही किया है तो मुझे पता है। दीदी तेरा देवर दीवाना के बाद हमने ये दिया, तो ये तो डायरेक्शन में भी है, तो इनका जलवा तो बिखरेगा ही बिखरेगा, और टाइटल के हिसाब से ऐसा है कि फिल्म माइंड ब्लोइंग होगी। हाँ, सेकेंड राजश्री प्रोडक्शन की याद आ जाएगी फिर लोगों को। चलिए, कोशिश रहेगी हमारी, बहुत अच्छी कोशिश रहेगी, 100% लोगों को। कितनी खुशी है सर आप कर रहे हैं, जा रहे हैं तेरा देवर दीवाना? सर बचपन में चांद देखा करते थे और चांद अचानक हाथ में आ जाए तो क्या सोचेंगे आप, किस तरह खुश होंगे? रसगुल्ला मिल गया, रसगुल्ला मिल गया, वही खुशी। सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी, सबसे ज़्यादा कि हमारे यूनिट हमारा साथ दे रहे हैं, इस बात की खुशी है, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला, देखते हैं हम क्या कर पाते हैं बाकी लोगों का। सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन मिलेगी हम सब लोगों को जिस दिन हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, हमारे दर्शकों के बीच लोगों का प्यार सुनेंगे, हमारा साथ रहेगा तो बिल्कुल हम जीत जाएंगे। फ्रेंड्स भी इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है, सारे लोग। थैंक यू सर।